जा रहे हो? पत्ती लेने है? पत्ती लेने काहे की पत्ती? आपको पत्ती होती है वो की ऐसे बैठा कर कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारी वैसी तो तीन पहिया लंगड़ी गाड़ी है, गिर गए तो अब उतरो, समझ में नहीं आता क्या? उतर जा, उतर जा, मैं भी खड़ी करा दूंगा। ये ऊपर का क्यों बैठे, नीचे बैठ जाएगा। बस चार सवारी की पास होंगे कितने हो? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस इक्कीस 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 लोग भरे हुए हाँ, चार की जगह इक्कीस। एक तीन है, है? एक तीन लोगों को बैठा सकते हो? चार पांच आदमी कितने बैठे? मजबूरी है, मुझे पता है तो मैं कितने बैठे, गाय की मजबूरी है। नहीं कितने बैठे हैं? पंद्रह नहीं इक्कीस है ना, तेईस लोग भरे हो, पता इतने बस में बैठते ही नहीं, बस कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? चलो उतारो इनको जो एक्स्ट्रा बैठे और दूसरे दूसरे वाहन से भेजो, दूसरे वाहन से लेके जाओ, दूसरे वाहन से लेके जाओ, उधर जाओ, उधर जाने, उधर जाओ। रम्मा इधर आओ, ये ऊपर बैठे हैं, सही है क्या? नहीं 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 सही नहीं है, सही नहीं तो काहे को बैठाती हो? मान लो झटका लगे वो आठ टेम्पो तो तीन पहिया की, तीन पहिया मतलब जानते हो लंगड़ी गाड़ी, उधर जाओ, उधर जाओ, सही बात है, उधर जाओ भाई, भाई तीन पहिया मतलब लंगड़ी गाड़ी होती है ना, है गाड़ी वैसी ही लंगड़ी है, ऊपर भरे हो अगर कुछ हो जाएगा तो क्या कर लोगे? है दो रुपए बचाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। घाटी गांव से ड्यूटी पर जा रहे थे तभी हाईवे में देखा कि एक ऑटो पे छह लोग ऊपर सवार हैं और कुछ नीचे सवार हैं। जब उसको रोका गिनती करी तो उसमें एक छोटे से ऑटो में जिसमें चार पांच लोग बैठते हैं उसमें 21 लोग सवार थे। सभी सवारियों से पूछा क्या ये जिस तरह से आप लोग खतरे के निशान के ऊपर बैठे हैं क्या सही है? तो नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं सर ये गलत है लेकिन मजबूरी है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर था उसने सभी जो सवारियां थी उनसे कान पकड़कर उठा बैठक लगाकर माफी मांगी कि मैं दोबारा कभी आप लोगों को इस तरह से खतरनाक हालत में नहीं बैठाऊंगा और उसने भी उसे गलती का एहसास हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि इन सवारियों को की मदद भी करनी चाहिए तो छह सवारी थी उनको मैंने अपनी गाड़ी में बैठाकर जो उनका गंतव्य स्थान था सिमरिया मोड़ तक उनको छोड़ा और फिर उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। एक संदेश है कि हम इस तरह से 10 रुपए बचाने के चक्कर में इतना बड़ा खतरा मोल ना लें।